सब दोस्तन का राम राम पहुँचे। एक बार फिर से आप सब जनन को स्वागत है बुंदेलखंड की नई वीडियो में। और हम सब जने पहुँच गए झांसी बस स्टैंड। तो नए साल में हम लोग जा रहे लक्ष्मी पार्क घूमन और झांसी महोत्सव। तो पहले हम लोग घर से जब निकले थे ना, तो लग रहा था कि बहुत दूर है बहुत दूर है। और फिर जब आ गए थे तो बिल्कुल पता नहीं चलू का। इस रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी चारों तरफ देखन जा रहे थे। सब जने बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, टू व्हीलर फोर व्हीलर पैदल, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सब लोग बहुत खुशी से नए साल को स्वागत कर रहे थे। और ये फुटपाथ में साइड में दुकानें लगी रहती ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जो चारों तरफ सामान सज रहे थे और अच्छा लगा। तो और मजबूरी में सब लोग फुटपाथ पर लगाते, नहीं तो बहुत सी लोग दुकान भी करत शोरूम करत, लेकिन जी का झाला गुंजास हो तो हिसाब से अपनों काम करत। और बस से तय पर हम लोग चले आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा जाम लगो तो बहुत देर से खड़े थे। तो सब लोग सवारी खूब भरी थी गाड़ियों में, कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं होती कि दो चार लोग बैठे हों। अच्छी बहुत ज़्यादा भरी थी और अच्छी अच्छी ठूस ठूस के भरी थी समझ लो। और सब खजाने हैं तो सब कोई सोच रहे चलो सर्दी है तो भर लो, कोई बात नहीं है। और गर्मी होती तो आदमी अपने आप के अलग भरी है, हमें नहीं जाने। और थोड़ी हम लोग रुके थे, फिर उसके बाद थोड़ी ढड़क ढड़क के धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ी तो हम लोग आ गए थे। तो रास्ता में बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बच्चे कहने लगी कि लक्ष्मी पार्क चले पापा थोड़ी। तो हम लोग गए तो पार्क में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कैसे जहाँ झांसी महोत्सव लगो उतनी पास ही में लक्ष्मी पार्क है, तो हम लोग गए तो लक्ष्मी पार्क में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगो। और हम तीन चार बार हुआ लक्ष्मी पार्क और इतने देखो छोटे छोटे बच्चा बहुत इंजॉय कर रहे, बहुत मजा मस्ती कर रहे। और जिस दिन तो खास तौर से बच्चे नहीं की होती, फैमिली के साथ जा तो बच्चे ही इंजॉय कर पाते और फैमिली तो बैठी रहे। और बस बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगो तो जाके। और इतनी ज़्यादा हर जगह हरियाली हरियाली टाइप की, हरे पेड़ पौधे हरे पत्ता, और ये हरियाली वाली पेड़ पौधे जगह बहुत ही ज़्यादा रौनकदार रहे। और जो है लक्ष्मी बाई जी को स्टैचू, और इतने ज़्यादा दिन नहीं रुके थे हम लोग, बस थोड़ी बहुत घूम घामो। और फिर बच्चे कहने लगे कि चलो अब चले हैं थोड़ी और चले हैं उतर पे, तो ज़्यादा देर हो जाए फिर अपन लोग पैदल चले हैं। कैसे ऑटो वाले ने मतलब बहुत पहले उतार दो, तो जहाँ तक ऑटो जा चाहिए होते तक नहीं जा रही थी, तो हम लोग बहुत दूर तक पैदल आए। और बहुत ज़्यादा सवारी दूर दूर तक उतर जा रही थी, गाड़ी आगे ही नहीं जान दे रहे थे, तो सब लोग पैदल चल रहे थे। इतनी ज़्यादा भीड़ दिख रही थी तो हमें तो खुद से लग रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ है। और बहुत ज़्यादा रोड ही रोड में है और कछु लोग पार्क के अंदर हैं, कछु जने महोत्सव के अंदर है, कितने ज़्यादा लोग घूमन घामन निकलत। और जो तो चलो झांसी है हर एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ रहे और न्यू ईयर में और ऐसे भी। और ये बच्चा इंजॉय कर रहे हैं, तय पे बच्चन के जिम के सामान भी लगे।
बस हमने अनमोल अभी से कही कि आप लोग के जाने जिम के पास, तो कह लगे नहीं और चलो बाहर निकल चले। तो बाहर निकले तो इतनी ज़्यादा गाड़ी, और आप लोग खुद देख सकते कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़, और गाड़ी अंदर आने दे रहा है लेकिन थोड़ी बहुत नज़र चूका तो आदमी तुरंत गाड़ी लेके अंदर घुस गया। और ऑटो वगैरह तो जैसे बड़ी रहती तो मजबूरी में फिर दूरी उतरना पड़ा। और जो देखो झांसी किला कोई एरिया पूरा दिख रहा है जो झांसी किला है, तो हम तो सोच रहे थे बिल्कुल एंड में जाने जहाँ झांसी किला है। फिर पहली बार गए थे तो कछु भी सोचत रहा कहाँ है कहाँ है, फिर थोड़ी दूर चलो तो बस आ गए तो महोत्सव। और पहले ही नंबर में बहुत ज़्यादा पहली जगह पहले एरिया में लगी बहुत ज़्यादा खाए पिए की आइटम, लेकिन अब बिल्कुल भूख नहीं आती तो बच्चा बोले कि चलो अब घूमते ही चलो। तो सबसे पहले ले ली थी हमने एक कढ़ाइया, और बस कढ़ाइया जो हमने फिर सामान लाओ वो आप लोगों ने अगली वीडियो में दिखाएं। और इतने छोटे वाले बिस्किट खरीद रहे थे हम खाएं के लाने का, ऐसे जी वाले बिस्कुट बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा, तो जितने प्रकार के रखे हैं थोड़ी थोड़ी सब डाल देते उन भैया ने। और अनमोला भी लगे थे कि हमें रोबेस क्यूब्स लवा दो, हम लोग ने बहुत तलाशो अच्छू नहीं मिल रहा। तो फिर जब बिल्कुल आन लगे तो लास्ट की दुकान में एक जगह पूछूँ तो उतना सही मिल गया, तो नहीं तो फिर टाइट टाइट से अजीब ही से मिल रही थी। और एक भैया जहाँ कर रही है बिक रही थी नॉन स्टिक वाली, होते पे मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक में सामान बेच रहे थे अच्छे से, मतलब सबको इन्जॉय कर रहे थे। तो अनमोला भी कह रहे थे इन अंकल को अच्छा तरीका है सामान बेचे को, न बोर हो न कछु, उनको भी टाइम पास हो, पब्लिक भी खुश हो रही और जे छोटे छोटे बच्चा इन्जॉय कर रहे। और जे वाले चीज़ें बच्चन के लाने सही रहती हैं, आराम से बढ़िया बैठे रहो, ना कोई टेंशन ना दिक्कत। और झूलन में बड़े झूलन में रिस्क रहता आजकल, पहले तो हमने बहुत झूलू और अच्छे भी लगा तो, लेकिन अब अपने यहाँ में डर से लगाने लगूँ। और बस हम लोग घूम घाम के निकल आए बाहर, तो बहुत दूर तक तो जितने दूर पे उतरे थे उतने दूर से भी ज़्यादा चलने पड़ो तो ऑटो बहुत दूर तक मिल रही थी। और लाइट वाइट जल गई तो और बढ़िया लग रहा सुंदर। तो घर पे आ गए और इतनी सेफ्टी से गए थे तो ज़्यादा ठंडी नहीं लगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगा। और बस थोड़ी चेंज वेंज कर लें, हाथ पांव धो लें और सामान वामा निकाल लें। और लेट हो गए तो चाय को टाइम होगा, चाय बना ले रहे, पहले चेंज वेंज कर लें, थोड़ी हाथ साथ धो लें और कपड़ा रख दें साइड में। और 7:30 को टाइम होगा, लेट तो हो गए। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक शेयर कर दियो। कल तक के लाने राम राम।